दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरियों के सूखे चारे के बारे में। आज से पहले भी बहुत से वीडियो मैं अपने मेरे इस चैनल पर डाल चुका हूँ बकरियों के चारे के बारे में, चाहे वो हरे चारे हो या सूखे चारे हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरियों के जो है तो सूखे चारे के बारे में। वो जो चारा है तो दोस्तों, वो है ये जो है तो चने का भूसा, जिसे कहते हैं हम। इस चने का भूसे के बारे में बात करेंगे। ये भी बकरियों के लिए सूखे चारे में बहुत अच्छा चारा है और बकरियां इसे बहुत पसंद से खाते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है तो काड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से वेस्टेज बहुत जाता है। तकरीबन अभी मैं जो ये चारा डाल रहा हूँ बकरियों को खाने के लिए, तो तकरीबन 50% चारा ये वेस्टेज जा रहा है खाने के लिए। और उसकी एक दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास में तो बहुत सा चारा मैं बकरियों के लिए लगाया हूँ, लेकिन क्या हुआ, इस साल बारिश वगैरह कम होने की वजह से मैं जो है तो बाहर से ये चारा मंगवा रहा हूँ, जो कि मैं किलो के हिसाब से ये चारा मंगा रहा हूँ, जो कि बकरी पालन के लिए सही नहीं है। लेकिन मेरी मजबूरी होने की वजह से, बकरियों को चारा नहीं होने की वजह से, मैं ये बाहर से मंगवा रहा हूँ, जो कि मुझे 5-6 रुपये किलो तकरीबन आके गिरता है। ये बताओ चारा थोड़ा। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये चने का भूसा है, जिसमें ये जो है तो बड़ी बड़ी काड़ियाँ, मोटी काड़ी बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से वेस्टेज बहुत जाता है। ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 50% इसमें वेस्टेज जा रहा है, लेकिन बकरियाँ इसे अच्छी तरीके से खाती है। तो जो भी मेरे नए बकरी पालक किसान भाई है, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि ये चारा आप बकरियों के लिए जमा करके रख सकते हैं, लेकिन हम ये जो है तो सीधा किसानों से खरीदे, हम उनके खेत में जाकर, तब जाके हमको ये परवड़ता है। और अगर हम किलो के भाव में अगर लेंगे चारा, तो मेरे हिसाब से ये किसान को पुरने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुझे तकरीबन 6 रुपये किलो आके गिरा है, जिसमें से वेस्टेज वगैरह जाने के बाद में बहुत नुकसान होता है। और दोस्तों, जो भी हम बकरी पालक है, जो बकरियों के लिए चारे के बारे में हम जानकारी चाहते हैं, तो मैंने और भी चारे की जानकारी मेरे चैनल पे दिया हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएंगी। आप हो सके तो वो भी जो है तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत से हरे चारे के बारे में और सूखे चारे के बारे में आपको जानकारी दिया हूँ। मैं दोस्तों, मेरे इस चैनल पे मैं जो भी प्रैक्टिकल करता हूँ, जो भी मेरे फार्म पे मैं काम करता हूँ या जो भी चारा खिलाता हूँ, उसकी जो है तो रियल जानकारी आपको देता हूँ। और जो है तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जिससे हर एक किसान भाई को जो है तो फायदा हो, चाहे वो बकरियों के चारे के बारे में हो या फिर मेडिसिन के बारे में हो, या जो भी मैं अपने फार्म पे जो मैं काम करता हूँ, उसकी रियल जानकारी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अगर मुझे किसी काम में अच्छी चीज नजर आ रही है या फायदा नजर आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर किसी काम में मुझे कोई नुकसान या फिर घाटे का सौदा लगता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, हर कोई बकरी पालक ये चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, उसके लिए वो जो है तो बकरी पालन की ट्रेनिंग लेते हैं। और बहुत से जो है तो, अब ट्रेनिंग की बात करें तो हम 2-3 दिन की ट्रेनिंग में बकरी पालन पूरा नहीं सीख पाते। हाँ, ट्रेनिंग से फायदा होता है, लेकिन पूरी फायदा नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों, अगर जो भी नए किसान भाई अगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो उन्हें बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं इसमें मेरे पूरे बकरी पालन की और जो फार्म मैनेजमेंट की पूरी जानकारी आपको धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। तो जो भी मेरे नया किसान भाई है जो कि मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को टच करें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों, चलो आगे और मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।